शुभम सिंह, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मेंस स्पेशल की, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था स्पॉटिंग हिडर के बारे में और उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने क्लोज टेस्ट, तो आज हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। सबसे पहले हम लोग क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ था प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेक्स फ्रेंडशिप आ स्पेशल, अ फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, आर इज नॉट ऑफ गिविंग एंड ऑनेस्ट एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग, अ फ्रेंड प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप एंड कॉन्टिन्यूस, देर इज नॉट रूम फॉर प्रोवाइड और rivalry इन। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लोज टेस्ट देखा, उसमें हमें क्या समझ में आया कि पूरे क्लोज टेस्ट में किसकी बात की गई है, फ्रेंडशिप की बात की गई है यहाँ पर। तो हम लोग ऑप्शन की तरफ जाते हैं और पढ़ते हैं, ऑप्शन टिक करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ था प्रेजेंस ऑफ सर्टेन, लिखा है ऑप्शन हमारे क्वालिटीज क्वालिफाई फ्रिक्वेंसी डिग्री, तो हमें यहाँ पर किसकी बात की गई है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेक्स फ्रेंडशिप आई स्पेशल। तो यहाँ पर हमें द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज, हमें क्वालिटीज की बात की गई है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मेक्स फ्रेंडशिप स्पेशल। तो मतलब अगर हमारे फ्रेंड्स के अंदर क्या होंगी, क्वालिटीज होंगी, तभी हमारी फ्रेंडशिप क्या होगी, स्पेशल होगी। तो यहाँ पर हमें क्वालिफाई की बात कर नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी और डिग्री, तो हमें यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब हमारे इसमें क्या बात कर रहा है, क्वालिटीज की बात कर रहा है, गुड की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा लिखा हुआ स्पेशल, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हार्डशिप कोर्टशिप स्कॉलरशिप रिलेशनशिप, हमें किसकी बात कर रहा है, अगर हमारा हमारी फ्रेंडशिप है तो हमारी क्या होगी, रिलेशनशिप होगी हमारे फ्रेंडों में, उन दोनों में अच्छे संबंध होंगे, तो किसकी बात कर रहा है, हमें हार्डशिप की बात कर नहीं रहा है, कोर्टशिप की भी नहीं और स्कॉलरशिप की नहीं, बात किसकी कर रहा है यहाँ पर, रिलेशनशिप की। तो क्या कह रहा है कि स्पेशल रिलेशनशिप, उसके बाद देख लेते हैं आप तीसरे हमारा ऑप्शन पे, पहला लिखा हुआ ट्रू, दूसरा है ट्रूथ और तीसरा है ट्रूथफुल और फिर है ट्रूली। तो हमें क्या कह रहा है, आर ट्रू फ्रेंड, जो हमारा सच्चा दोस्त होता है ट्रू फ्रेंड होता है, ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट, जो हमारा ट्रू फ्रेंड होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब लगातार हमारे साथ रहता है एंड ऑनेस्ट, और हमारे साथ हमारे प्रति हमारे फ्रेंडशिप के प्रति क्या रहता है, ईमानदार रहता है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है आप फिलिंग द ब्लैंक्स इज नॉट, तो फोर्थ के हमारे ऑप्शन है बी फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंड और फ्रेंडली। आप फ्रेंड फ्रेंड इज नॉट, यहाँ पर क्या होगा, बी फ्रेंड की बात होगी नहीं, बी फ्रेंड मतलब होता है कि मित्रतापूर्वक, मित्रता को निभाना, मित्रतापूर्वक की बात करता है, और यहाँ पर है फ्रेंडशिप और यहाँ पर फ्रेंड और यहाँ पर फ्रेंडली, हमारे क्या यहाँ पर सेंस किससे निकल रहा है, अब फ्रेंडशिप इज नॉट, नेक्स्ट हमारा क्या इसमें क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेंडशिप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो दिया है फिफ्थ नंबर ये दिया है इज नॉट ऑफ गिविंग एंड ऑनेस्ट, तो क्या होगा, फियर ऑफ फ्रेंड, प्राइड और फ्रेंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया है, इज नॉट और आगे दिया है हमारा यहाँ पर ऑफ और गिविंग। तो हमने पढ़ा है कि ऑपरेट के बाद क्या आता है, ऑपरेट के बाद हमारा ऑफ आता है, प्रीपोजिशन ऑपरेट के बाद क्या आती है, ऑफ आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें फियर डर की बात करने रहा, ऑपरेट की बात कर रहा है, हमें डर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इज नॉट ऑपरेट ऑफ गिविंग एन ऑनेस्ट, जो क्या होगा कि अगर हमारा कोई फ्रेंड होगा, हमारा ट्रू फ्रेंड होगा, तो कोई भी हमें सजेशन होगा वो उसको देने से घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, जो भी सही होगा वो हमें बताएगा, वो ट्रू सजेशन देगा हमें। तो उसी की बात की है, ऑपरेट हमें उसे घबराएगा नहीं कोई भी सजेशन देने से, और हमारे प्रति क्या रहेगा, ईमानदार रहेगा। नेक्स्ट हमारा सिक्स नंबर कह रहा है, सिक्स के ऑप्शन दिए हैं ओपिनियन, कॉन्सर्न और डोमिनियन और सजेशन। तो क्या है कि वो हमें ओपिनियन अपना मत नहीं देगा, कॉन्सर्न मतलब होता है चिंता जाहिर करना और डोमिनियन मतलब होता है डोमिनेशन या दबदबा। तो यहाँ पर क्या है कि अनऑनेस्ट, जो हमारा ट्रू फ्रेंड होगा, ऑनेस्ट होगा हमारे प्रति, वो क्या होगा, हमें सजेशन देगा किसी भी बात के प्रति, किसी भी अगर कोई हम काम करेंगे तो हमें क्या करेगा, हमें सजेशन देगा, वो अपने सुझाव देगा जो भी अच्छे होंगे। एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग, मतलब हमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ कुछ भी गलत हो रहा है फिर भी हाँ में हाँ मिलाएगा, ऐसा नहीं, जो हमारे लिए सही होगा वो बताएगा। सेक ऑफ गेटिंग अप्रूवल, अप्रूव, अपीयर, डिसअप्रूव, अप्रूव, अप्रूवल मतलब क्या होता है, हमें उस पर कुछ भी हमें गलत होगा तो उस पर हाँ हमें हाँ नहीं मिलाएगा, जो सही होगा वो बिना डरे उस पर हमें सजेशन देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सजेशन। सिक्स का हो जाएगा सजेशन और उसका सेवन्थ का हो जाएगा अप्रूवल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अ फ्रेंड प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप एंड कॉन्टिन्यूस, अ फ्रेंड, जो हमारा फ्रेंड होगा वो हमें प्रोवाइड कराएगा क्या, कंपेनियनशिप मतलब होता है भाईचारा या मित्रवत की बात करते हैं, कंपेनियनशिप एंड कॉन्टिन्यूस सपोर्ट, सपोर्टिव, सप्रेस प्रोवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस क्या करेगा, कॉन्टिन्यूस हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, हमें हमेशा हमारा साथ देगा, सपोर्ट देगा।
तो क्या होगा, पार्टिकल सपोर्ट, देयर इज नॉट रूम फॉर प्राइड, और यहाँ पर सेंटेंस में जैसे देयर इज नॉट रूम फॉर प्राइड, यहाँ पर जो मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, वहाँ पर कोई जगह नहीं होती जिसकी प्राइड जो हमारा होता है, घमंड होता है, प्राइड। और ऑप्शन देख लेते हैं, जियोपार्टाइज मतलब खतरा होता है, जेलिसी मतलब ईर्ष्या, ह्यूमिलिटी मतलब बेइज्जती है, निरादर, और ओपन माइंडेड यहाँ पर बात नहीं की है। तो क्या है कि जो हमारा, जो हमारी फ्रेंडशिप होती है वहाँ पर किसकी जगह नहीं होती है, प्राइड, ना तो घमंड की जगह होती है और ना ही ईर्ष्या की। और राइवलरी और विद्रोह, राइवलरी मतलब विद्रोह होता है, राइवलरी इन फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप में हमारी ना तो हमें घमंड होता है, ना हमारी ईर्ष्या होती है, और ना हमारा होता है विद्रोह। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पर पूरे क्लोज टेस्ट में फ्रेंडशिप की बात हुई थी, तो हम अपने कॉमन लाइफ से भी इसको निकाल समझ कर बिल्कुल ईजिली आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि ये अभी क्लोज टेस्ट है, शॉर्ट है, और शॉर्ट में ज़्यादा हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। स्टार्टिंग से पहले हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे अप्रोच हमारी होगी सॉल्व करने की, सबसे पहले हम एक बार क्लोज टेस्ट को ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद फिर हम ऑप्शन पर जाएंगे और ऑप्शन देख लेंगे कि कौन कौन से हैं, उसके बाद हम इजली बिल्कुल सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप खूब प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए एग्जाम स्टडी। ओके, थैंक यू।